सीएसआईएनएट का ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सी में आया है। देखिए पहले इसमें एलडीए दिया है, ठीक है, ऑब्वियसली वो बेस है, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, TBDMSCl, मतलब देखिए सीएल तो लीव करेगा, आपको मतलब ये पता ही होना चाहिए। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, ये ओ के साथ ये बन गया और सीएल यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये बना, अब देखिए हीटिंग कंडीशन है और CO2Me दिया है, मतलब डील सेडर रिएक्शन है यहाँ पे। तो देखिए 4+2 डील सेंडर है। अब देखिए कैसे आपको देखना है कि ये इस तरफ लगेगा या इधर लगेगा। देखिए ये इधर अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर देगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज इधर स्टेबलाइज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली ऐसे कंबाइन करेगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन करेगा, तो ये कंबाइन कर गया। अब देखिए ये कंबाइन करने के बाद यहाँ पे देखिए 3+3 सिग्मा ट्रॉपिक हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपिक हो रहा है 3+3, क्यों, देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे देखिए ये अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे देखिए 2, 3 है, ठीक है, और 1, 2, 3 मतलब 1, 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक करता है, 3, 3 के बीच में फॉर्म होगा और 2, 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और 1, 2 और 1, 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए ये प्रोडक्ट बन गया। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाटर भी ऐड है, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, ये रिमूव हो गया। अब देखिए स्टीरियो की बात आती है कि क्यों हमने प्रोडक्ट में, मतलब ये ऑप्शन में दिया है ऑब्वियसली, क्यों हमने प्रोडक्ट में ये ऊपर लगाया है, क्योंकि हम ना स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें देखिए ऐसे देखते हैं, आप सोचिए बॉन्ड अगर जिसमें फॉर्म करना होता है जिसके बीच में, ठीक है, तो 1-1 के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो इसको 1 मार्क करेंगे, इसको 1 मार्क करेंगे, इसको 2 मार्क करेंगे, इसको 2 मार्क करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 2, 1, 1, 2, ऐसा नहीं होना चाहिए, 2, 1 और 2, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर सोचिए देखिए ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट को सोचिए अगर ऊपर मान ले रहे हैं, मतलब जो हाइड्रोलाइज होकर ये बना है, इसको अगर ऊपर मान ले रहे हैं हम लोग, सोचिए तो ये राइट में है, पर क्योंकि ये 2, 1, 1, 2 है ना, इसको 2, 1, 2, 1 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये राइट को हम लोग लेफ्ट मान लेंगे, तो मतलब दोनों एक तरफ होगा, दोनों ऊपर होगा, इसलिए इसका आंसर होगा। ओके, थैंक यू।